सो हेलो एंड मेरे दोस्त, तुम लोग कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जोन कहाँ है, पृथ्वी से वो कहाँ है या क्या है, कहाँ क्या पृथ्वी के आसपास ही है या फिर कहीं दूर है। सो डार्डन जब अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यार देखना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम एनिमे है। सो यार आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे एग्जोन कहाँ है। सो यार एग्जोन कहाँ है, सो यार पृथ्वी से ये कहाँ है, कौन से में है, सब बताने वाला हूँ। सो यार एग्जोन जो है ना, वो एग्जोन एक अलग ही अल्टरनेट टाइमलाइन के मल्टीवर्स के टाइम में है, यानी कि तुम लोग समझ सकते हो ना, एक अलग मल्टीवर्स यानी कि अलग दुनिया से हुआ, अलग दुनिया से आए, मतलब यानी कि अलग दुनिया, यानी कि तुम लोगों ने अगर बेंटेन देखा होगा, बेंटेन में जैसे कि यार तुम लोगों को बताया उसके अलग अलग रूप एक अलग अलग यूनिवर्स में है, और ऐसे ही करे तो यार बीब्लेड में भी ऐसा ही है, जिंगा भी एक अलग मल्टीवर्स से है, और टाइसन भी एक अलग मल्टीवर्स, वॉल्ट भी एक अलग मल्टीवर्स, ऐसे ही इडाटन जम में भी एक अलग इडाटन जम नहीं, मतलब यानी कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के भी पृथ्वी के मतलब पृथ्वी जैसा दिखने वाला और एक ग्रह है जहाँ पे उसे कहते हैं एग्जोन। हाँ तो ना सही समझ रहे हो, वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन के मल्टीवर्स में है, ना कि हमारे हमारे सोलर सिस्टम में है, ना कि हमारे सोलर सिस्टम में, और एक अलग सोलर सिस्टम है जहाँ पे एग्जोन हमका ग्रह है, और वहीं एग्जोन है, मतलब यानी कि एक अलग 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 मल्टीवर्स का एक यूनिवर्स है, जो पैरल यूनिवर्स होता है ना, उसका यूनिवर्स से एक अलग यूनिवर्स जहाँ पे एग्जोन बसा हुआ है। तो आई होप तुम लोग समझ गए हो। सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, खुदा हाफिज़, बिस्मिल्लाह, अल्लाह, खुदा हाफिज़।